हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हील कंपेनियन। सो गाइस, आज हम आ गए हैं हीरो के शोरूम में, जहां आपको हम दिखाने वाले हैं सुपर स्प्लेंडर एस्ट्रेक 2023 मॉडल। सो गाइस, आपकी स्प्लेंडर अब स्प्लेंडर नहीं रही, अब सुपर बन चुकी है। सो सुपर बनने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्या नए फीचर्स बाइक में आ गए हैं, क्या न्यू चेंजेस बाइक में आ गए हैं, सो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। सो उससे पहले यार, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और स्टार्ट करते हैं इसके वॉक राउंड से। सो गाइस, आगे की बात करें तो आगे आपको फाइबर का वाइजर देखने को मिलता है, उससे नीचे आपको हीरो की ब्रांडिंग एच में देखने को मिलती है, और इसमें आपको आगे एलईडी हेडलाइट देखने को मिलती है, डबल टोन एलईडी हेडलाइट, और बीच में आपको डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ी खासियत यही है यार कि बाइक में अब आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिलते हैं, या शायद ही कोई कंप्यूटर सेगमेंट बाइक में आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिलेंगे। सो इसको सुपर इसलिए भी बनाती है बाइक, और उससे नीचे आपको नंबर प्लेट मिल जाती है, नंबर प्लेट लगा सकते हैं आप यहाँ। यहाँ आपको फेंडर मिल जाता है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, और फाइबर में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको सस्पेंशन टेलीस्कोपिक देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी राइड क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर देती हैं, और ये इसका रिफ्लेक्टर है, बोथ साइड आपको इसके सस्पेंशन में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। टायर रिएक्शन की बात करें तो टायर आपको 18 इंचेज के मिल जाएंगे, बोथ साइड, फ्रंट में भी और रेयर में भी। ये बाइक आपको मैं बता दूँ, मिडिल वेरिएंट है, दो वेरिएंट में बाइक आती हैं। फर्स्ट टॉप वेरिएंट जिसमें आपको डिस्क देखने को मिलता है आगे, और वहीं आपको मिडिल वेरिएंट जो कि मिडिल वेरिएंट में बाइक है जिसमें आपको डिस्क नहीं देखने को मिलता, बट आपको एलॉयज दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। ये मिडिल वेरिएंट है, सो इसमें एलॉयज देखने को मिल जाते हैं, और टॉप में तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही। ग्राफिक्स आपको इसके एलॉयज में भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ बात करें अब टैंक से लेकर साइड पैनल तक, आपको ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलते हैं बाइक में। हीरो का ब्रांडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, सुपर स्प्लेंडर, और एस्ट्रेक भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके इंजन की बात करें तो इंजन आपको 125 सीसी का देखने को मिलता है, जहाँ आपको 10.73 bhp का पावर जनरेट कराती है बाइक। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इसमें आपको 10.6 nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको किक स्टार्ट के लिए ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट में आपको क्रोम अवेलेबल मिल जाएगा। तो पीछे की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ आपको पिलियन ग्रैबरल देखने को मिलता है, जो कि पिलियन के लिए बहुत सपोर्टिव होता है, जो भी पीछे बैठेगा सो इसको आराम से सपोर्ट ले सकता है इसका। और नीचे आप देखें, इसमें टेल लैम्प हैलोजन में ही देखने को मिलती है, जो कि पहले भी हैलोजन में देखने को मिलती थी। यहाँ पर आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी फिर से। और यहाँ आप देखें, इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं अपना, और यहाँ फेंडर फिर से आपको फाइबर में देखने को मिलता है। अगर आप इसका ऊपर से व्यू देखें तो कुछ इस टाइप की लगती है बाइक। यहाँ आपको सीट मिल जाती है बहुत अच्छे कुशन के साथ, और फिर से आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है हीरो की। आगे बढ़े इसके टैंक की साइज की, तो टैंक साइज आपको 12 लीटर्स का देखने को मिलता है, जो कि कंप्यूटर सेगमेंट में 12 लीटर्स काफ़ी है। और साथ में टैंक में भी आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, सुपर स्प्लेंडर। ग्राफिक्स आप फिर से देख सकते हैं यार, कमाल के ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं बाइक में। ऊपर से अगर बात करें यहाँ हम लोग इसके हैंडल्स की, हैंडल्स बार आपको क्रोम में देखने को मिल जाते हैं, क्रोम फिनिशिंग के साथ। ये इसकी पासिंग लाइट की स्विच है, और ये आपको इसका डिपर स्विच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर स्विच देखने को मिलेगा, ये आपको हॉर्न देखने को मिलेगा, साथ ही आपको इग्निस देखने को मिल जाती है बाइक में, i3s, जहाँ पर बटन आपको देखने को मिलेगा। i3s का मतलब यही होता है यार कि आप जैसे ही ट्रैफिक में जाते हैं तो ट्रैफिक में आपकी बाइक खुद ब खुद बंद हो जाती है, आपका फ्यूल सेव हो जाता है वहाँ पर। सो ये फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं बाइक में। सो अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें हम लोग इसके, तो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर फुली डिजिटल मिलता है, वो सबसे बड़ी बात है यार बाइक में, क्योंकि आपको अब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियल टाइम माइलेज देखने को मिल जाता है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, और साथ ही आपका फ़ोन भी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है। अब आपको यहाँ कॉल भी शो हो जाएंगी, मैसेज शो हो जाएंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर USB पोर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो यार, बाइक में पूरी फीचर्स के साथ बाइक अब तैयार हो चुकी है, अब आपको सुपर स्प्लेंडर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो बाइक के माइलेज की बात करें तो यार, कंपनी बाइक का माइलेज 50 to 55 करती है,
आई थिंक ये मैं खुद भी एवरेज बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा भी बाइक आपको देख सकती है। अप्रोक्स 60 तक तो इजीली दे देगी यार। सो 60 का माइलेज काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा है यार माइलेज। तो गाइस एट लास्ट मैं आपको बता दूँ यार, बाइक में बहुत सारे फीचर्स दे दिए हैं यार। अब स्प्लेंडर नहीं रही जो कि अब सुपर बन चुकी है, क्योंकि अब इसमें LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है आपको, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाते हैं, USB पोर्ट देखने को मिल जाता है बाइक में, अब आपको रियल टाइम माइलेज देखने को मिल जाता है, फ़ोन भी कनेक्ट हो सकता है बाइक में आपका। और साथ ही यार बहुत बड़ी बात है, इसमें LED दे दिया है। कंप्यूटर सेगमेंट में मैंने आज तक कोई बाइक नहीं देखी, और रियली ही कोई बाइक होंगी जिस पर आपको LED हेडलाइट देखने को मिलते हैं। थैंक्स टू सानवी मोटर्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस बाइक। अगर आपको हीरो का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।